बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस नेता की बेटी पर भाजपा नेता की टिप्पणी चर्चा में आ गई है और इससे लोग इतने गुस्साए हैं कि थाने तक घुराव और आगजनी। जी हाँ, घिराव और आगजनी से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं। बाला साहेब थोराट की बेटी, कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट की बेटी के खिलाफ भाजपा नेता वसंत राव देशमुख की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद अलियार नगर जिले के संगमरनेर में बवाल हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भीड़ ने एक पुलिस थाने को शुक्रवार रात भर घेर कर रखा। आगजनी भी जमकर हुई, सड़क जाम किया गया। पुलिस थाने को पूरी तरह से घेर कर धरना बाहर में जमकर किया गया। तो वो टिप्पणी किया थी, यह हम आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में। भाजपा नेता सुजय विखे पाटिल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बाला साहब थोराट की बेटी जयश्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी हुई। पेशे से डॉक्टर जयश्री पिता के लिए प्रचार कर रही थी, बताया जा रहा है, जो संगमनेर निर्वाचन क्षेत्र से नौवीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। इसके लिए ही सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने सपोर्ट किया है जयश्री को, क्योंकि बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी हुई। सुजय विखे पाटिल के खिलाफ कार्रवाई की मांग हुई है और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। माफ़ी मांगने को भी कहा गया है। बता दें, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे बारे में शर्मनाक तरीके से बात की जा रही है, आलोचना का मानव होना चाहिए। सुजय ने दावा किया जयश्री उनकी बहन जैसी है, उन्होंने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया। लेकिन बैठक के बाद सैकड़ों गुस्साए प्रदर्शनकारी पेट्रोल की डिब्बे लेकर वहां पहुंचे और कई बहनों से आग लगाई। यानी कि बीजेपी को कांग्रेस के आगे झुकना ही पड़ा। बीजेपी नेता को अपने बयानों की वजह से गलत तरीके से बात कही गई थी। बता दें, इसे लेकर काफ़ी ज़्यादा विपक्ष गुस्से में नजर आया है। जी हाँ, नेक्स्ट 9 न्यूज़ की रिपोर्ट।